जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, एक बहुत ही कमाल की टॉपिक लेकर हम आए हैं आपके साथ। यह साइंस का एक टॉपिक है, प्रकाश का प्रवर्तन। इसी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पांच प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यह वीडियो स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2022 में बिहार बोर्ड की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए पांच महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चैप्टर वाइज आपके प्रश्न बताता रहूंगा। नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस में हर एक चैप्टर का चार से पांच जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी के बारे में साथियों हम बात करते रहेंगे। इसके आंसर के बारे में बात करेंगे, आंसर मैं आपको इसके साथ समझाते चलूंगा। और अगर इसका आंसर आपको लिखना है तो हमें चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन दिया गया है उससे आप उस आंसर को आराम से लिख कर और याद कर पाएंगे साथियों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं गारंटी देता हूं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका प्रकाश का प्रवर्तन वाले चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से। ऐसे ही अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसी के प्रश्न पहला है कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को लिखिए। मैं प्रश्न को और आंसर को समझाते चलूंगा। अगर जो लिखना चाहते तो वीडियोस को पॉज कर करके हमारे साथ आप लोग लिख सकते हैं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसके वीडियोस की पूरी कंक्लूजन, पूरा बेस्ट टू एडवांस उस वीडियोस में है उससे वहां पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इसके नियमों को लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किरण यानी किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, जैसे होता है क्या है, जब यह एक सतह है, एक सतह है तो इसी से जब प्रकाश की किरण आती है और टकराकर लौट जाती है इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये इसका परिभाषा है। और यहाँ पे फिगर को जरूर डिनोट कीजिएगा, फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर में ही आपको नंबर मिला करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल तो यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि प्रश्न के बारे में साथियों बात करेंगे। फिगर इसका जो है आप वहां से लिख लेंगे, चाहे किसी आपके पास इसका आंसर होगा वहां से आप इस फिगर को जरूर उसमें डिनोट उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा कि हाँ इसका ये फिगर है। और सभी को अपतित किरण, प्रवर्तित किरण, प्रवर्तक सतह, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, यह सब आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। इसका नियम कह रहा है तो इसके पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे या एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। पूरा मैं आपको बता दूं किस तरीका से लिखा जाता है, तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। इसके दो नियम होते हैं, यानी प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, एक नंबर दे के लिखेगा तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डालेगा विलंब होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम होता है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, जितना डिग्री पर हुआ किसी वस्तु पर यानी किसी सतह पर टकराने के लिए आता है वहां से उतना ही दूरी पर वहां से परिवर्तित हो जाता है यानी भाग जाता है। तो यहाँ पे अर्थात में करके आप लिख सकते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यह लिखिएगा जरूर, आपको पूरा से पूरा मार्क्स मिलेगा। अच्छे प्रकार से लिखिएगा, सुंदर राइटिंग से लिखिएगा तो आपको पूरा से पूरा मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे मेरे दोस्त। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन होता है अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग, यहाँ पे दो दो उपयोग या उपयोग आपको दिए रहेंगे, यानी अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए या उत्तल दर्पण का, दोनों का उपयोग लिखिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछा करते हैं दोस्त। तो अवतल दर्पण का उपयोग में लिखिएगा परावर्तनीय दूरबीन के निर्माण में, सर्च लाइट की कटोरी के रूप में, आंख का नाक इत्यादि के विकारों को देखने के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, ऐसे बहुत सारे हैं आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा होता है उत्तल दर्पण में सर पर प्रकाश चित्राने में, गाड़ी के साइड मिरर जो होता है यानी जो बाइक चलाते हैं उसके साइड मिरर के रूप में आपका उत्तल दर्पण ही होता है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है, इसके अंतर के बारे में यहाँ पे पूछता है। तो अवतल दर्पण की आप लिख लीजिएगा कि अवतल दर्पण की प्रवर्तक सतह घसी हुई होती है, उत्तल दर्पण की प्रवर्तक सतह उभरी हुई होती है। ठीक है, इसकी जो प्रवर्तक सतह इसमें धसी और इसमें उभरी होती है, इसमें प्रकाश का प्रवर्तन बाहरी भीतरी सतह से होता है और इसमें प्रकाश का प्रवर्तन बाहरी सतह से होता है। इसमें जो अवतल दर्पण है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बड़ा और वस्तु के बराबर होता है और इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसकी फोकस दूरी वक्र त्रिज्या ऋणात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी वक्र त्रिज्या धनात्मक होती है। आपके दो ही पूछे जाते हैं, उस चार मैंने बता दिया यहाँ पे, आप ऐसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है चार नंबर, क्या है वास्तविक और काल्पनिक, यानी आभासी को हम लोग काल्पनिक या काल्पनिक को आभास, दोनों नाम आपका सेम है मेरे दोस्त, कंफ्यूज नहीं होगा। प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, तो अंतर जब आप लिखते हो ना तो एक तरफ इस तरफ चिन्ह कर दीजिएगा, दो भाग में बांट दीजिएगा, इस तरफ वास्तविक इस तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब, इस तरह से लिख के और पार्ट बाय पार्ट इसमें लिखेगा तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे मेरे दोस्त। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है, वास्तविक पट में लिखेगा यह किरणों के वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनते हैं और यह काल्पनिक में लिखेगा यानी आभासी में यह किरणों के काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु से यानी इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है।
यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, इसलिए इसको पर्दे पर उतारते इसको पर्दे पर नहीं उतारते। तीन ही आपका चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पांच, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को दो तीन टाइप से आपसे पूछा करते हैं दोस्त। क्वेश्चन का है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाइए। आप प्रश्नों को इस तरीका से पढ़े होंगे बुक में या आपके टीचर निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के नाम से पढ़ाए होंगे, वो दोनों चीज मेरे दोस्त सेम है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं या इस चीज को नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं, दोनों चीज सेम है। तो इसका होता क्या है, इसका पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, उसकी जो पॉइंट है उसको आप डिनोट यानी उसमें जरूर कीजिएगा। क्या है गोली दर्पण, यानी इसका निर्देशांक चिन्ह परिपाटी या नई कार्तीय मान। तो दर्पण से संबंधित बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी को मापने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी या कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और इसमें इसका दो तीन है रूल्स है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है और ध्रुव से भरणेमत, ध्रुव से आपतित दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। और प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, तो प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इसके फिगर है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का फिगर है, उस फिगर को मेरे दोस्त जरूर से जरूर बनाइएगा, जिससे आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिल सके। ये जो पांच प्रश्न है आपके बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट है सभी के लिए मेरे दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में गारंटी देता हूं उसमें से एक न एक दो प्रश्न आपने जरूर पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर से शेयर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों के पास भी शेयर कीजिएगा जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि अभी जो सभी बंद होने का कगार पर आ गया था लेकिन अब तो धीरे धीरे खुला है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, उनका भी भला हो सके मेरे दोस्त। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।